जी अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर एजाज, जो कॉलमिस्ट हैं, पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के माहिर हैं, पंजाबी जुबान पर बहुत सारा काम किया है उन्होंने। और मेरे साथ हैं अमार अली जान, जो एकेडेमिक हैं, रिसर्चर हैं, लेफ्ट की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हैं, और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो है वो कुछ मुश्किलात का शिकार रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से उनको देश निकाला दिया गया, और अभी मोर रिसेंटली एफसी कॉलेज से भी उन्हें ये कह दिया गया है कि वो अपनी खदमात जो हैं वो जारी नहीं रख सकते। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट थॉट का एक जो है जजीरा होती हैं, पाकिस्तान में इस हवाले से क्यों एकेडमिक्स को मुश्किलात हैं, और क्या ये आज हुआ है या हमेशा से ये एक सिलसिला है और एक सिस्टेमिक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। जी अमार, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। तो अमार, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि अभी रीसेंट ये वाक्या आपके साथ हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल बताएं। वैसे तो कॉमन नॉलेज है, कुछ मैंने भी इशारा दिया, लेकिन क्या वजह आपको बताई गई कि आप जो है बतौर फैकल्टी वहां पे काम जारी नहीं रख सकते? देखिए, एक तो ओवरऑल जो मुश्किल हालात बन गए हैं वो यही है कि सवाल उठाने के ऊपर अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाबंदी हो रही है, और ये यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेशन है ये इस तरह का प्रोफेशन है कि इसमें हमारा काम ही तहकीक करना है, सवाल उठाना है। हमने लोगों को कोई विनओवर नहीं करना होता, कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, हमने वो मुश्किल सवाल करने होते हैं जो माशरा अपने आप से करने से डरता है। अब उस जगह पे जाहिर है, अगर जिस जगह पे सवाल अलाउड नहीं वहां पे अगर आप उस्ताद हो या जर्नलिस्ट हो, आपका एक बड़ा कुदरती तजाद बन जाता है सारे जो सिस्टम है उसके साथ। जो मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल इसी तरह हुआ। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक भी हो चुकी हैं। मेरी स्टूडेंट एवेल्यूएशन में सबसे हाईएस्ट थी, मेरी कॉलीग्स के साथ जो रिपोर्ट्स थी कॉलीग्स की वो सबसे ज्यादा हाई थी, पब्लिकेशंस मेरी बिल्कुल ठीक थी, और उस सब में इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैंपस में मेरी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी। यानी मैं किसी भी तरह से कैंपस के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, टीचर्स की भी जो अलाउड भी होती है पॉलिटिकल एसोसिएशंस, उसमें भी इन्वॉल्व नहीं था, मैंने अपना डिस्टेंस रखा हुआ। यहाँ पे एक तुलबा यकजहती मार्च हुआ पिछले साल नवम्बर 2019 में, और उसमें एज अ टीचर मेरा रोल ये था कि मैं डिफेंड कर रहा था स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, और वो इसी तरह डिफेंड कर रहा था, आर्टिकल्स लिख रहा था, लेक्चर्स दे रहा था इसके ऊपर, कुछ कुछ मीडिया में मैंने बात की थी। और जब ये 29 नवंबर को रैलीज हुई तो ये 53 शहरों में हुई पाकिस्तान, और 5,000 के करीब लोग लाहौर में निकले, और बहुत अरसे बाद इतने ज्यादा स्टूडेंट्स और तरक्की पसंद स्टूडेंट्स सामने आए, और एक बहुत ही एक वेलकमिंग चीज थी। और वो मजे की बात यह है कि हुकूमती नुमाइंदों ने भी उसको वेलकम किया, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करके कहा कि जी बहुत अच्छी बात है और मैं सपोर्ट करता हूँ। अगले दिन एक हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आलमगीर वजीर, उसको उठा लिया गया। उसके बाद हमें पता चला कि हम सब पे बगावत के पर्चे हो, बगावत गद्दारी की, और वो समझ से बालातर थी बात कि गद्दारी तो तब होती है कि जब आप, हम अगर माल रोड पे टैंक ले आए होते, हम बंदूकें ले आए होते, हम धरना दे रहे होते, हम कहते हैं जी जब तक हुकूमत नहीं जाती हम नहीं जाएंगे। एक 4-5 घंटे का इवेंट था नौजवानों का, नारे लगे, बड़े पुरअमन तरीके से हुआ, कोई गमला भी नहीं टूटा और खत्म हो गया। लेकिन बावजूद उसके हमारे ऊपर ये पर्चे किए गए। इसमें मतलब बगावत के तो चार्जेस लगाए गए, डिटेल क्या बताई गई उस वक्त आपको? क्योंकि जाहिर है केस चला, वो फिर इवेंचुअली वो पर्चे खत्म हुए, लेकिन आपको ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड क्या रीजन बताई गई इस किस्म के पर्चों? देखिए, जो जो कोर्ट केस था वो तो अभी मैं जमानत पे हूँ, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें कोई केस ही नहीं। वो तो वकील आके खुद तारीख पे तारीख मांग रहे थे, जो हुकूमती वकील थे उन्हें खुद भी पता नहीं था कि इस बंदे पे क्यों कर दिया, क्योंकि ना मैंने तो उधर तकरीर भी नहीं की, वहां पे स्टूडेंट्स ने रूल बनाया था कि सिर्फ स्टूडेंट्स बोलेंगे, तो मुझे तो तकरीर भी करने दी भी नहीं गई। तो बहुत अच्छा किया स्टूडेंट्स ने, अपने पास रखा स्टेज।
तो वो उन्हें कुछ समझ ही नहीं है कि ये किस तरह से बनी है। वो एक टारगेट था कि टारगेट करना है एक बंदे को जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा है, इस तरह की बात है। अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि इंतजामिया जो है, क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटी है फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज, क्योंकि इसके अंदर तगड़े लोग हैं, इंतजामिया तगड़ी है, उन्हें मेरे मेरे कैरेक्टर का पता है, मेरे परफॉर्मेंस का पता है, वो अगर कोई प्रेशर बाहर से आता है और नहीं भी आता तो पब्लिक में स्टेटमेंट देगी कि ये टीचर गद्दार नहीं है हमारा एम्प्लॉय, ये सिंसियर है, मुहब्बे वतन है, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा है, कोई डिसिप्लिनरी मसला नहीं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द डायरेक्टर कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए जी बहुत प्रेशर है और आपको पता है कि इस वक्त क्या मुल्क के हालात हैं, बाहर से कितना प्रेशर है और हमारा एक सेंसिटिव माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सेंसिटिव है, हम उन्हीं लोगों के ऊपर सिक्योरिटी के लिए डिपेंड करते हैं तो हम कॉन्ट्रोवर्सी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल किया नहीं, कहा नहीं आप पे पहले भी FIR हुई थी, अब भी हुई थी। मैंने कहा FIR तो मैं आप पे कर दूं, अभी FIR में क्या है, वो तो एक झूठी FIR। तो कहते हैं नहीं देखिए हम कॉन्ट्रोवर्सी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप पब्लिक लाइफ से बिल्कुल निकल जाए, खामोश हो जाए, यानी कैंपस के अंदर तो छोड़ें कैंपस के बाहर भी कुछ ना बोलें, यानी मैं अपनी सिटीजनशिप ही गिव अप कर दूं अपनी नौकरी की। तो मैंने कहा देखिए मेरे लिए मुमकिन नहीं, चले असूली तौर पे भी आप बात साइड पे रख लें, आप मेरा एक स्टूडेंट जेल में और मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, मैंने सेनेट में जा रहा हूँ दो दिन बाद, मैंने थाने भी जाना है, मैंने कचहरी भी जाना है, मैंने अपना केस लड़ना है, मैं कैसे चुप रह जाऊँ? तो कहीं ना कहीं पब्लिक में तो मुझे बात करनी पड़ेगी, तो मैं FC को तो नहीं बदनाम कर रहा। उन्होंने कहा हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपसे गुजारिश है कि आप जो है फैसला कर लें कि आपने या ये पब्लिक में रहना है या आपने FC के साथ रहना है, अदरवाइज विल फायर। और वहां पे मैंने कहा कि डोंट फायर मी क्योंकि इस पे मैं लड़ाई करूंगा, मैं खुद अपने आप को विदड्रॉ करता हूँ बिकॉज मुझे मैं पब्लिक एक्टिविटी से इस वक्त बाहर नहीं आ सकता। इट इज अ क्रैक डाउन ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड यू शुड बी डिफेंडिंग अस, यू शुड बी डिफेंड, यू आर मोर पावरफुल देन मी। आप रेक्टर हो, आप 70 साल के हो, अमेरिकन हो, आप डिसीजन लें। हमारा एक वाइस चांसलर भी पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 साल में इतने बजट कट्स हुए, कोई एक किसी ने बयान भी नहीं दिया, इससे नजर आपको याद है कि किस किस्म के खुशामदी लोग उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं और वो क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, विच इज वाई आवर पब्लिक स्फीयर इज गेटिंग मोर एंड मोर फीबल। जिस प्रेशर का और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल का आपने जिक्र किया, मैं इसी पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शायद आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या ये आज हो गया है और अमूमी तौर पर सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें खास तौर पर जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स 60s और 70s में चलती रही है और उस वक्त के जो उसातज़ा कराम हैं जिनमें डॉक्टर मंजूर एजाज का भी नाम शामिल है, जाहिर ये होता है कि ये एक सिस्टेमिक पैटर्न है, किसी भी ऐसी आवाज को जो स्टेट के नैरेटिव में फिट नहीं होती या जो नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव है उसमें फिट नहीं होती, उसको वहां ना सिर्फ रहने नहीं दिया जाता बल्कि जिंदगी उसके लिए मुश्किल बना दी जाती है। तो डॉक्टर साहब अगर आप से मैं पूछूं, आपको 70s में और 60s में जब बल्कि 70s के अरसे में आप शुरू में यूनिवर्सिटी में थे, लेफ्ट की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे थे, फिर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, आपको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा और जो अमार बता रहे हैं क्या आपको वो कुछ फेमिलियर स्टोरी लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो मैं आपको छोटा सा वाक्या सुना देता हूँ। ये एक मुकदमों का वो एक मुकदमे में जब 1969 में फौजी पकड़ के हमें ले गए, फौज के ब्रिगेडियर के सामने पेशी होगी, मुकदमा ये था, मुकदमे की बात हो रही है ना, जैसे इनको इनको बेचारा में मुकदमा, तो मुकदमा ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में झंडा सुर्ख लगाया। अच्छा वो ब्रिगेडियर साहब से मैंने कहा कि मैं तो बैसाखियों पर चलता हूँ और जो मेरे साथ आदमी है ये आदमी तो इतना कमजोर है कि ये अपना बोझ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो झंडा कैसे लगा। तो खैर उसकी समझ में आ गई, उसने कहा कि फिर ना करना। मैंने कहा फिर क्या नहीं करना, तो ये मुकदमे तो इस तरह से होते हैं। अच्छा मेरा अपना ये ख्याल है कि जो 70s जब ये सिलसिला जो है बाकायदा तौर पे ये शुरू हुआ है याह्या खां के पीरियड में, याह्या खां के पीरियड में जो जनरल शेर अली खान था
उसको ये काम सौंपा गया था कि यूनिवर्सिटियों को तुम साफ करो, और यूनिवर्सिटियों में से जितने भी बाएं बाजू या आजाद ख्याल जो प्रोफेसर हैं उनको निकालो। और जाहिर बात है कि उसके पीछे जो है वो जमात इस्लामी और जमीत तलबा जो है उसका मेन पार्ट थी। जनरल शेर अली खां का तल्लुक उन्हीं से था। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो पाकिस्तान की जो रिलीजियस और राइट विंग है उसकी जो पहली कोशिश है वो ये रही है कि वो करिकुलम को और तालीमी निज़ाम को कंट्रोल में रखे, क्योंकि ये हमेशा ये इन्होंने अकलियत रहना है ऐसे लोगों ने। तो अकलियत की हुकूमत इसी तरह से कायम रह सकती है कि वो आपकी सोच और फिक्र के जो जो प्रोसेस है उसको वो कब्जा करे, तो वो कब्जा होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको पर्सनली किस किस्म के हालात से गुजरना पड़ा? हम ये इसकी रीजंस पर भी थोड़ी सी और बात करेंगे जैसे आप अभी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा आप बताएं कि आपको पर्सनली जब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी शुरू की और अपने ख्यालात के साथ आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से इवेंचुअली फिर आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? हाँ, मिसाइल तो ये थे कि भाई वैसे तो वो धमकियां देते रहते थे, फिर वो एक वाकया हुआ कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट दो रात को आके ठहरे, तो वो खैर एक था कि जी उन्होंने कहा ये क्यों आपके पास ठहरे, मैं अपना हॉस्टल कैंपस में असिस्टेंट असिस्टेंट स्टूडेंट था। तो एनीवेज किस्सा मुख्तसर ये है कि उस पर उन्होंने मुकदमा जो था वो सेनेट में चला गया, अगर मतलब फैक्चुअल हालात है। तो मुझे उन्होंने कहा, जो मैं जिसकी तरफ आना चाहता हूँ, मुझे उन्होंने ये कहा कि तुम पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ दो और तुम जिस कॉलेज में भी कहो हम तुम्हें वहां तुम्हारी तकरीर करवा देते हैं, और लेकिन यूनिवर्सिटी छोड़ दो। उसके पीछे सियासत ये थी कि याहिया खान के पीरियड से, जो आपको पता ना कि उस जमाने में तो पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इसके अलावा सिर्फ पेशावर यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटी थी और कराची थी, और बाकी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो सारे मुल्क के तलबा तकरीबन पंजाब में पढ़ते थे। तो एनीवेज तो ये थी कि जो यूनिवर्सिटी में जिसकी तकर्री हो जाती थी मुस्तकिल, उसको कहीं और भेजा नहीं जा सकता था। तो जो याहिया खान के दौर में जो मूवमेंट उन्होंने चलानी शुरू की वो ये थी कि जो यूनिवर्सिटी के साथ हैं इनको दूसरे कॉलेजों में भेजने का हक होना चाहिए। तो हम जो थे, हम जो उस वक्त स्टाफ एसोसिएशन थी उसमें हम वेक्टर थे, मैंने सेक्रेटरी का इलेक्शन भी लड़ा था उसके स्टाफ एसोसिएशन का। तो खैर मतलब ये है कि हमारा ये 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 स्टैंड था कि यूनिवर्सिटी के साधा को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब मुझे ये ऑफर उन्होंने किए, मेरे पास उन्होंने वाइस चांसलर साहब ने मेरे साधा को और मेरे जानने वालों को कई लोगों को भेजा कि आप ये मान लें इस वक्त हम आपको दो साल बाद मिला लें वापस बुला लेंगे। असल में उसमें प्रॉब्लम यह था कि उन वो जमीयत का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनका मसला था कि वो जमीयत से निपट नहीं सकते थे। उनको भी पता था कि ये मुकदमा बेवजह है और इस मुकदमे में कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने एक चौधरी थे साहब, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, उनसे कमेटी बनवा के फैसला भी ले लिया, लेकिन उनको ये पता था कि ये मुकदमा झूठा है। और लेकिन यह है कि वो कहीं किसी ना किसी तरह से मुझे वहाँ से निकालना चाहते थे मेरी एक्टिविटीज की वजह से। और मैंने फिलासफी डिपार्टमेंट में मार्क्सिज्म पे क्लासेस भी जो थी वो सिलेबस में शामिल करवाई थी, ये मेरा गुनाह था। इस तरह के मैंने बहुत गुनाह किए हुए थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बाद मैंने जो सदर थे उस वक्त उनसे
बात की, मैंने कहा कि आप बताएं मैं क्या करूं, मैं तो आप एक मामूली मेंबर हूं। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी मर्जी। मैंने कहा अच्छा फिर मैं ये मैं अपनी मैं नहीं मानूंगा इस फैसले इनके फैसले को, और ये जो फैसला है कि यूनिवर्सिटी के साथ को बाहर नहीं भेजा जा सकता, मैं इसके साथ कायम रहूंगा और मैं ये छोड़ दूंगा। तो खैर वो उन्होंने मुझे निकाल दिया। लेकिन ये है कि ये बाकी हमारे बहुत से दोस्त थे उस जमाने में जिनका ख्याल जिनका नईव सा ख्याल ये था कि मंजूर एजाज जो है ना वो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रोग्राम है, उसके तहत सबको निकाला जाना है। तो यही हुआ कि मेरे निकलने के 2-3 साल के बाद सबकी छुट्टी हो गई। मतलब वो जो बड़े परहेजगार और सारे बनते थे ना, किसी को शकरगढ़ कॉलेज में भेज दिया गया, किसी को मुजफ्फरगढ़ भेज दिया गया, चुनाचे सबकी छुट्टी हो गई। और तो उन जगहों पे उनको होडबैंक करना और उनको खामोश करना शायद ज्यादा आसान होता होगा। हाँ मतलब ये है कि क्योंकि मैं जरा ज्यादा वोकल था, मुझे खामोश करना आसान जरा मुश्किल था, इसलिए अपना मुझे उन्होंने ये चॉइस दिया कि मैं किसी और कॉलेज में चला जाऊं, जो मैंने कबूल नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि वही सिलसिला जो है वो जारी है। और जो मुझे अब लगता है वो ये लगता है कि उस वक्त तो ये था कि जमात इस्लामी और जमीत तलबा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो हुकूमत जो है उसका सामना नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो हुकूमत खुद है वो उस उसका वही एजेंडा है जो उस वक्त सिर्फ जमीयत और जमात का था। क्योंकि देखे ना उस वक्त भुट्टो की हुकूमत थी, उस वक्त भुट्टो की हुकूमत थी, भुट्टो हम लाख बुरा कहें अपना हनीफ रामे को, लेकिन थे तो आजाद ख्याल। ये उनकी सियासी मौका परस्ती थी कि वो मुझे डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन वो दिल से तो कन्विंस नहीं थे। अब मुझे लगता है कि अब जो हुक्मरान हैं वो दिल से कन्विंस हैं कि किसी तरह की भी जो एकेडमिक फ्रीडम है वो देना जो है वो 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 गलत है। और इस तरह से मैं आपको तो यहाँ वाशिंगटन से चले गए हैं, लेकिन यहाँ एक फौजी अफसर आए थे तो उन्होंने ये साफियों को बिठा के, बाकायदा सारे साफियों को, बड़े बड़े साफियों को बिठा के ये लेक्चर दिया था कि हमारा बुनियादी मुकाबला हमारे बुनियादी दुश्मन आजाद ख्याल लोग, और इसमें या हम रहेंगे या वो रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर इसीलिए हम ये देखते हैं कि लिबरलिज्म की जो तारीफ पाकिस्तान में अब बना दी गई है वो ये है कि अगर आप लिबरलिज्म का प्रचार करते हैं, अगर आप इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो आप यकीनन किसी न किसी के पेरोल पर हैं, यकीनन आप किसी न किसी दुश्मन के एजेंट हैं, और यकीनन आप जो हैं वो दीन से दूर हैं। इस किस्म की एक नैरेटिव बना दिया गया, और आपको वो हमेशा किसी न किसी ऐसे मौके पर जो है वो मीडिया में भी नजर आता है, क्रिटिक्स में भी नजर आता है, और जैसे कि आपने कहा स्टेट भी अब उसको प्रमोट कर रही है। नहीं अब मेरे ख्याल में अब मेरे ख्याल में शायद मजहबी जमातों का उतना उनको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब जो रियासत है वो खुद ये सारा कुछ कर रही है। अच्छा, उनको क्या उनको क्या जरूरत पड़ी है बिला वजह अपनी एनर्जी जो है वो जाया करें। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो सूरत हाल है, ये लिबरल की जो उनको उनके पास तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन होती है, मेरे बारे में उनको सब कुछ पता था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। इसी तरह से अमार साहब के बारे में भी पता होगा। तो अगर उस वक्त अगर वो मेरी उन्होंने मुझे मेरी फाइल की वजह से नहीं निकाला, मेरे लिबरल होने की वजह से नहीं निकाला उन्होंने, मतलब सिर्फ इस वजह से, मतलब मेरे नजरियात की वजह से बल्कि अमार को तो आप इखलाकी तौर पे वो मैं बुरा आदमी था, या इखलाकी तौर पे अमार साहब कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो नाकाबले कबूल हो, उनको पता है इस बात का।
कि लिबरल होना ये बात नहीं है, मैं समझता हूँ हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन स्टेट किसी इंसान की जाती जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, और हमने देखा कि अमार और इनकी तरह के और लोग जो हैं इनके घरों पर रात को छापे पड़े, इनकी फैमिलीज को हैरेस किया गया। आप जो बात कर रहे हैं अमार, अगर मैं इसको लेकर आपकी तरफ आऊं डॉक्टर साहब, तकरीबन 45 बरस पहले के वाकयात बयान कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस दौरान में कुछ तब्दीली आई है? मैं जाती तौर पर जो डॉक्टर साहब ने राइट विंग का एडमिनिस्ट्रेशन में राइज और फैकल्टी में राइज और यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल का जिक्र किया, मेरे पाकिस्तान में रहते हुए और एजुकेशन रिपोर्टिंग करते हुए खास तौर पर इसको बहुत करीब से देखा। अब जो है वो लोग जिन्हें उस वक्त सामने लाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, अब हुकूमतों के साथ वो हैंड इन ग्लव हैं, और उनके लिए बहुत आसान है किसी भी ऐसे नैरेटिव को ना सिर्फ प्रमोट करना बल्कि आपके तरह के लोगों को मार्जिनलाइज करना। तो आपको लगता है कि 45 साल में आज हम जहाँ खड़े हैं, जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, कोई हालात बेहतर हुए हैं, वैसे ही हैं, या मजीद वर्स हुए हैं? देखिए, जो एक कुछ लिहाज से वर्स भी हैं, जिस तरह आपने कहा कि, और जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एक तरह से जो इजारादारी थी कैंपसेस की इंतजामिया में, वो बहुत ही रुजती होते की हो चुकी है। और एक पिछले जो 30-35 साल हैं, आप एक तरह से उसे रद्द इनकलाबी दौर भी कह सकते हैं, रुजती दौर कह सकते हैं। और रुजती दौर की खासियत ये होती है कि वो ना सिर्फ तंजीमों को तोड़ते हैं, ना सिर्फ रोशन ख्याल लोगों को या सवाल करने वालों के ऊपर हमला करते हैं, बल्कि वो माजी को भी बदल देते हैं, माजी के ऊपर हमला भी करते हैं। यानी उन्होंने एक ऐसी जनरेशन बनाई है स्टूडेंट्स की, जिनके लिए जो सियासत और सियासतदान है वो गाली तसव्वुर। खुद स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ कितना अरसा बोलते रहे। और यानी आपने माजी, उन्होंने किया क्या, उन्होंने कुछ बज वर्ड्स पकड़े, स्टूडेंट यूनियन, वायलेंस, करप्शन, मर्डर, और सबको मिला दिया। किसी स्टूडेंट को एक तंजीम का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन उसे यह पता है कि स्टूडेंट यूनियंस ने वायलेंस के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो क्या आपने किया, आपने माजी को ओझल कर दिया, आपने माजी को यानी उसको इनएक्सप्लिकेबल कर दिया, आप उसको एक्सप्लेन ही लोग नहीं कर पाते कि माजी था क्या। जो सारी 60 की दिहाई में तहरीकें चली हैं, यूब खान की आमरीत खिलाफ, या खान खिलाफ, इवन भुट्टो साहब के खिलाफ, फिर इवन ज़िया के खिलाफ, उसके अंदर तालिब इल्मों का कितना शानदार रोल रहा है, वो किसी को नहीं पता। सिर्फ ज्यादा लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, अब आपने किया क्या ऐसे लोगों को जिनको तारीख का नाम पता हो, जिनको ये ना पता हो कि कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, उनको कंट्रोल करना बहुत आसान है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू डीलिंग विद ज़ॉम्बीज। वो कॉग्निटिवली डिसऑरिएंटेड है और पूरा एक जनरेशन बनाई है। और मैं उस तरह इसीलिए कह रहा हूँ कि वो बस वर्ड्स के साथ चलते हैं। जरदारी का नाम आ जाएगा, उनकी थिंकिंग खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का आ जाएगा, किसी को 5-6 बस वर्ड्स है, करप्शन, ये वो। कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है, डिटेल्स की गुंजाइश नहीं है, तारीख की गुंजाइश नहीं है। पिछले 3-4 सालों में जो मुझे लगता है एक तब्दीली आ रही थी, वो ये थी कि जो रियासत का बयानिया है वो बहुत कमजोर पड़ रहा, क्योंकि एक APS के बाद जो इस्लाम वाला मामला था, खासतौर पर मिलिटेंट इस्लाम, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से कम हुई। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी प्रो डेमोक्रेसी, उनकी मकबूलियत पहले से कम हो रही थी। साथ ही साथ इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद जो एक तब्दीली, मैन्युफैक्चर्ड तब्दीली थी, उसके ऊपर से भी बहुत लोगों का कम अज कम एंथुजियाज्म खत्म हो गया, अगर पूरी तरह से सपोर्ट खत्म नहीं हुई। और साथ ही साथ ये नई तहरीकें शुरू हो गई, जैसे PTM आ गई, बलूचिस्तान में तहरीकें थी, ओकाड़ा की तहरीक थी पंजाब में, तो कहीं ना कहीं कुछ हलचल हो गई। तो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मारूजी तौर पे तो बहुत मजबूत थे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो बहुत मजबूत थे रुजती लोग, लेकिन बयानिए की हद तक उनकी वो बहुत कमजोर पड़ते जा रहे थे। और उसका असर ये हो रहा था कि ग्राउंड अप से मूवमेंट्स बन रही। उसी में हमने देखा कि पिछले साल 1.5 साल में जितना ज्यादा लोग रिसेप्शन उन्होंने दिया स्टूडेंट यूनियन के आइडिया को, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा लाहौर में। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनियन का मतलब होता था गाली, हर दूसरा स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज का, पब्लिक यूनिवर्सिटी का, वो यूनियन के हक में बोलना शुरू हो गया। 5,000 नौजवानों का लाल झंडे तले निकलना माल रोड पे, इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। ये तो हमें साथियों ने बताया 80 की दहाई में भी मुमकिन नहीं था, 90s में भी नहीं था।
तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, उसकी वजह यह है कि लोग के सवाल बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब मिशाल खान का वाकया हुआ था, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सब पढ़ा रहा था, उनको शहीद किया गया उधर बरदान में, और उसके फौरन बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जिसमें कहीं कोई इंतजामिया की उसके इजाजत के बगैर पर भी नहीं मार सकता, वहां पे स्पॉन्टेनियस एहतजाज हो गया मिशाल खान के यहाँ। तकरीबन 200 स्टूडेंट्स, ये हमने पब्लिक भी कभी नहीं किया, 200 स्टूडेंट्स ने मिशाल खान के लिए प्रोटेस्ट किया और नारेबाजी की, और पूरी इंतजामिया जो थी वो परेशान थी कि ये एकदम से क्या हो गया है और कैसे हुआ। सो ये सारी चेंजेस हैं, लोग देख रहे थे, एक बयानिया कमजोर हो रहा था, लोग अपने आप को ऑन द ग्राउंड मुनज्जम कर रहे थे, अब इन सब को गैर मुनज्जम करने की फिर से कोशिश है। सो दिस इज द सेकंड काउंटर रेवोल्यूशन दैट्स हैपनिंग। एक रुचती एक कोशिश हो रही है कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए, हम जैसे लोगों को जो भी सवाल उठाते हैं अब उन्होंने नए बज़वर्ड्स बना दिए, पहले यूनियन ऑफ वायलेंस था, अब वो कहते हैं हम हैं, और उसका मतलब है BLA, PTM, NGO, CIA, मुसाद। तो उस तरह करके आप लोगों की थिंकिंग की जो कैपेसिटी है उसे खत्म कर दो। हमारे लिए चैलेंज यही है, जिस तरह मंजू साहब कह रहे थे कि जो इकतदार में है उन्हें तो मालूम है कि हमारा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वरना अब तक हमें तुन चुके होते, गैर हम अगर हमारे हमें पैसा बाहर से आ रहा होता या हमारे कुछ तरह ताने बाने लगे होते, तो उन्होंने तो अब तक हमें जेल में क्या गायब कर चुके होते, जलील कर चुके होते। उन्हें पता है कि हमारी सिंसियरिटी क्या है, उन्हें पता है कि हम क्लीन है, तो वो इस तरह की फजूल बातें करके हमारे हमें डिलिजिटमाइज करना चाहते हैं। हमें अब पब्लिक में आके अपने बयानियों को मजबूत करना है, और इंटरनली हमें स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करनी है कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में किस किस्म की स्ट्रेटजीज अवाम को जोड़ सकती है, क्योंकि मेन मसला पाकिस्तान में यही है कि अवाम को तोड़ा गया है। जो टूटे हुए बिखरे हुए लोग होते हैं वो खौफजदा होते हैं, और उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, उनकी रैशनैलिटी छीनना बहुत आसान होता है, हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की री एमर्जेंस की बात की और एक डिफरेंट आइडियोलॉजी की बात की, मंजूर साहब आप अपने ज़माने में लेफ्ट की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहे हैं, और आपने अपनी बायोग्राफी में इस हवाले से बहुत डिटेल से लिखा भी है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हम री एमर्जेंस देख रहे हैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में, क्या उसमें पोटेंशियल है, वो कहाँ पहुंच सकते हैं, अगर आप अपने तजर्बे की रोशनी में और जो स्टेट का प्रेशर है उसको सामने रखते हुए कुछ बताएं कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त, वो क्या करें? मेरे ख्याल में अब जो स्टूडेंट मूवमेंट उठ रही है, जैसे अमार साहब ने जिक्र किया, मेरे ख्याल में इसमें बहुत जान है, और इस वक्त उठना जो है वो उस वक्त के उठने, हालांकि उसको लेफ्ट का सुनहरी जमाना कहा जाता है, और शुरू में जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो हम तंजीमी तौर पे भी जमीत तलबा में भारी थे, मतलब ये है कि हम जमीत तलबा हमें मार नहीं सकती थी, हम उनके मुकाबले के थे इस हद तक था। उसके बाद तो बाद फिर कमजोर होते गए और खत्म हो गए, लेकिन ये है कि उन वो ऐसे हालात थे कि उनमें जो आजाद ख्याली या प्रोग्रेसिव ख्यालात हैं उनका इजहार करना कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं खैर बहुत एक्टिविस्ट था, लेकिन ये है कि अब तो जो जितनी अब सख्ती है, जितनी अब स्टेट कंट्रोल कर रही है, उसमें जो स्टूडेंट्स का, इतने हजारों स्टूडेंट्स का उठना, मेरे ख्याल में ये मूवमेंट की बिल्कुल अगली स्टेज है, और ये पिछली वाली से बहुत आगे की स्टेज है, और होना भी यही चाहिए कि जो अगले वाले हैं वो पिछले वालों से आगे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ, और अगरचे उसकी उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं सोसाइटी में वो अभी शायद उतनी सामने ना आ रही हों, लेकिन मेरा यकीन है कि लेकिन वो ये है कि वो करेंगे अपना जो नई तहरीक है वो उससे बहुत आगे। मेरा ख्याल है कि स्टेट के लिए जो इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन की बात है या जिस चीज से वो परेशान है वो भी ये है कि एक नैरेटिव जो उन्होंने पिछले 30-40 साल में प्रमोट करने की कोशिश की है, जिसमें शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते थे और हम बहुत अच्छे थे और हिंदू ने और यहूदी ने हमारे खिलाफ साजिश की
वरना तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं था और हर चीज जो है उसका ब्लेम शिफ्ट कर देना बहुत आसान था। अब जैसे अमार भी कह रहे थे कि एक ऐसी जेनरेशन पैदा हो गई है जो रोज सुबह उठती है और एक साजिश ढूंढना शुरू हो जाती है जो दुनिया में उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, उसमें अगर आपको एक ऐसा वर्ल्ड व्यू मिल रहा है जो आप के नैरेटिव के साथ फिट नहीं हो रहा, तो स्टेट का परेशान होना यकीनन एक जो है वो नेचुरल सी बात है। लेकिन ऐसे ही माहौल में जो है वो ताज़ा आवाजों की जरूरत होती है जो अमार और इनके जैसे लोग सामने लेके आ रहे हैं। और मूवमेंट्स जब इस तरह की होती हैं और खास तौर पर इंडिजिनस होती हैं तो उनको रोकना या रोल बैक करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है। यही की जानी चाहिए कि जो है ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, एक नैरेटिव हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अमार हम आपके और आपके जैसे दूसरे लोगों के महफूज रहने की भी दुआ करते हैं ताकि आप जो है वो अपने मकसद में डटे रहें और कामयाब हों। आज की नशस्त को मेरा ख्याल है कि हम यहीं खत्म करते हैं और वो आइंदा इस हवाले से बात को यकीनन जारी रखेंगे। The whole house is here.